जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, बेटर सेवन पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी दफ्तर में। और मरकज़ी दफ्तर में यहां इस वक्त हम चलते हैं एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर इमरान अहमद राजपूत के पास, जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो बताया जाता है कि माहौलियात को महफूज बनाने के लिए पोलिथीन पे जो कार्रवाई कर रहे हैं मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ दुकानों पे और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उस हवाले से माहौलियात के हवाले से और ख़ास तौर पे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, उस हवाले से आइए इमरान राजपूत से बात करते हैं। आइए, आप अगर हमारे साथ कीप इन टच हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जिस दिन से यहाँ पे चार्ज लिया है, वेरी नेक्स्ट डे से शहर में पूरे 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारे काम शुरू हो चुका है। भरपूर तरीके से हम काम करें, हमने इसको फेज़ वाइज डिवाइड किया है। पहले फेज़ में हमारी फोकस है नालों के अतराफ जितनी इंक्रोचमेंट है, सॉफ्ट हो या परमानेंट इंक्रोचमेंट हो, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड फेज़ के अंदर हमें टारगेट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से कि आप हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 2 रोड, मॉडल रोड ऐसे दें जहां पर आपको इंक्रोचमेंट फ्री एरिया नज़र आए पब्लिक को। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक और टास्क दिया है पॉलीथीन बैग, जिस पर सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। पॉलीथीन बैग दुनिया भर में इसका इस्तेमाल पर पाबंदी लग चुकी है, इसके नुकसान का आपको इल्म है। सीवरेज सिस्टम तबाह कर दिया है इसने, हमारे आबी हयात को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जनरेशन इससे परेशान है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। हमने सबसे पहले अवेयरनेस कम्पेन लॉन्च की लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सोशल मीडिया पे चलाया। उसके बाद हमने पंफलेट, बैनर, मेगाफोन पे अनाउंसमेंट की। उसके बाद हम उस अगले स्टेप में चले गए, हमने लोगों से वहाँ दुकानों से जो होल सेलर हैं वहाँ से इसको हमने फोर्सली पुलिस के साथ जाके उनका मटेरियल को जब्त किया। हमारे स्टोर्स हैं सरकारी, वहाँ पर हमने उसको स्टोर वहाँ पर जमा कर दिया, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर इस काम में हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ऑन बोर्ड है, हमारे पास वो तमाम चीज़ें जो स्टोर में जमा हैं सरकारी तौर पर, और उसकी तमाम डिटेल हम अथॉरिटी को प्रोवाइड टाइम टू टाइम करते जा रहे हैं। इसके ऊपर ऐसा है कि जितनी भी आपने बताई कि शाम में होटल सिटिंग हो रही है, होटल सिटिंग जितनी जगह पर है, अगर उन्होंने किसी रोड को ब्लॉक किया है, किसी पब्लिक के गुजरगाह को डिस्टर्ब किया है, तो उस जगह से हम कार्रवाई करते हुए उनका सामान को उठा रहे हैं ताकि वो लोगों के लिए आमदोरफ्त का रास्ता क्लियर रह सके। अगर उन्होंने लीगल वे के अंदर कोई गवर्नमेंट को फीस पे की है और ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई नुकसान नहीं है आवाम को, उस जगह के लिए हम उसके अथॉरिटी से मंजूरी लेके हम अगला लायहमल तैयार करेंगे। कल डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं खुद मौजूद था, मेरी मौजूदगी में तकरीबन 1 ट्रक भर के हमने पॉलीथीन बैग्स उठाए हैं शॉप्स के ऊपर से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं खुद मौजूद था, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने तकरीबन 1/2 ट्रक हमने वहाँ से सामान पॉलीथीन बैग लिए हैं और वो हमने स्टोर में जमा कराए हैं। देखें, हर चीज़ का डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला होता है ना, अगर इसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली पीछे से उसकी सप्लाई आना बंद होगी। हमने इसको फोर्सली जो रिटेलर हैं और होल सेलर हैं हमने वहाँ पर इनको स्टॉप किया है ताकि उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसको पेपर बैग की तरफ डाइवर्ट करें ताकि आवाम का भी फ़ायदा हो और इसके माहौलियात को भी नुकसान ना पहुँचे। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।